चलो गाइस क्या चालू मिले आप लोग बढ़िया है। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और गाइस ये माइनक्राफ्ट सर्वर सीरीज का एपिसोड 4, जिसने भी बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं जल्दी से करके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और गाइस इस वीडियो में फाइंड करने वाला हूं बहुत सारे डायमंड और गाइस बनाने वाला हूं एक ब्यूटीफुल सा एन्चेंटमेंट रूम, वो भी गाइस आप लोगों की मदद से। वो कैसे गाइस आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। बट उससे पहले गाइस जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर गाइस जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। चलते हैं गाइस कंटिन्यू करते अपने सर्वाइवल सीरीज को। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं गाइस मैंने इस जायंट मॉब एक्सपी फार्म को, गाइस मैंने इसको पिछले पार्ट में ही बनाया था। और गाइस ये देखो कितने अच्छे से ये वर्क कर रहा है गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस इसमें कितने सारे मॉब स्पॉन हो रखे हैं। जल्दी से गाइस मैं इन सारे मॉब को मार करके जल्दी से मैं यहाँ पर एक्सपी को कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस आप लोग एक बार इस चेस्ट को देखो गाइस इसमें कितने ज्यादा ओपी लूट है। गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मुझे यहाँ पर एन्चेंटेड गोल्डन चेस्ट प्लेट मिल चुका है। गाइस मुझे यहाँ पर दो दो पोशन ऑफ हीलिंग मिल चुका है जो कि गाइस यहाँ पर वीच को मारने से मिलती है। और गाइस मुझे यहाँ पर पावर 2 की एन्चेंटमेंट वो भी मिल चुका है। और गाइस आप लोग यहाँ पर सोच ही सकते हो गाइस ये मॉब इतने ज्यादा ओपी लूट ड्रॉप करते हैं। गाइस एक बार मैं चलकर अपने आयरन फार्म को भी दिखा देता हूँ जिसमें गाइस कितने आयरन कलेक्ट हुए हैं। गाइस मैं गया अपने आयरन फार्म पे और गाइस यहाँ पर एक बिल्ली अभी जल के मर रही है। गाइस अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस चेस्ट में कितने आयरन कलेक्ट हुए। तो गाइस यार ये देखो गाइस यहाँ पर 7 स्टैक से भी ज्यादा आयरन कलेक्ट हो चुका है। और गाइस यहाँ पर काफी सारे बंदे मेरे से पूछ रहे थे कि गाइस मेरे वर्ल्ड की सीड क्या है। और गाइस जिसको भी मेरे वर्ल्ड की सीड चाहिए वो गाइस मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के चेक कर सकते हैं, मैंने अपने वर्ल्ड की सीड डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और गाइस घर जाते थे मैं यहाँ पर धोबेरों की हत्या कर देता हूँ। तो गाइस फाइनली अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि गाइस कैसे मैं आप लोगों की मदद से डायमंड को फाइंड करने वाला हूँ। चलो गाइस जल्दी चलता हूँ मैं उस जगह पर, गाइस दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस मैं आ गया हूँ जगह पर और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने यहाँ पर दो प्लैंक्स को प्लेस कर रखा है। तो दरअसल बात यह है कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला था कि अगर गाइस मैं इन कोऑर्डिनेट्स पर सीधे नीचे माइन करूंगा तो गाइस मुझे यहाँ पर डायमंड भी मिल सकते हैं। गाइस जैसा कि आप सबको पता है कि गाइस मेरे सब्सक्राइबर कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकते हैं। और गाइस फिर यहाँ पर रात होने लगती है इसलिए गाइस मैं जल्दी से अपने घर जाता हूँ और गाइस घर जाकर के सो जाता हूँ। The next day. फिर उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर सुबह उठकर पहले से गाइस मैं यहाँ पर दो पिकेक्स को क्राफ्ट कर लेता हूँ। गाइस मेरे घर के बगल में से स्पाइडर की आवाज आ रही थी तो गाइस मैंने उसे मार दिया। फिर उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर भागते भागते अपने सब्सक्राइबर के दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर गया जहाँ पर से कि गाइस मुझे यहाँ पर बहुत सारे डायमंड मिल सकते हैं। तो गाइस मैं आ गया अपने सब्सक्राइबर के दिए गए कोऑर्डिनेट्स पर। गाइस मैं यही कोऑर्डिनेट्स पर नीचे माइन करूंगा। अब गाइस जैसा कि मेरे सब्सक्राइबर ने बोला था कि अगर गाइस मैं इन कोऑर्डिनेट्स पर माइन करूंगा तो गाइस मुझे यहाँ पर डायमंड भी मिल सकते हैं। तो चलो गाइस देखते हैं यहाँ पर माइन करके और गाइस देखता हूँ कि गाइस मुझे यहाँ पर डायमंड मिलते हैं या फिर नहीं। गाइस यहाँ पर थोड़ी देर माइन करने के बाद गाइस मुझे याद आता कि गाइस मैंने यहाँ ऊपर में डॉगी को बिठाना ही भूल गया। गाइस जल्दी से मैं अपने डॉगी को ऊपर बिठा देता हूँ, उसके बाद गाइस मैं अपनी माइनिंग कंटिन्यू रखता हूँ। गाइस यहाँ पर थोड़ी देर माइन करने के बाद मुझे यहाँ पर आयरन मिल जाता है। गाइस मैं इन सबको मैं लपेट लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर फिर से माइनिंग करना शुरू कर देता हूँ। और गाइस जैसे मैं ये वाला ब्लॉक तोड़ता हूँ गाइस मेरे साथ कुछ ये होता है, ये डायमंड को देखने के बाद मेरा कुछ ऐसा रिएक्शन था। गाइस सच्ची बता रहा हूँ ये डायमंड देखने बाद गाइस मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। फिर उसके बाद गाइस मैं अपने वर्ल्ड का पहला डायमंड माइन करता हूँ और गाइस आसपास तोड़ के देखने लगता हूँ कि गाइस यहाँ पर कितने डायमंड हैं। फिर उसके बाद गाइस मैं जब इस केव को एक्सप्लोर कर रहा था तभी गाइस मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ और गाइस मुझे यहाँ पर एक और डायमंड दिखता है। गाइस मुझे तो लगता है इस केव में डायमंड भर भर के है। फिर गाइस मैं अपने पिकैक्स को निकालता हूँ और गाइस इस डायमंड को माइन करने लगता हूँ। और गाइस जब मैं यहाँ पर दूसरे वाले डायमंड को माइन करने लगता हूँ तभी गाइस यहाँ पर अचानक से ज़ॉम्बी आ जाता है और गाइस ये पूरा का पूरा मुझे डरा ही दिया था। फिर उसके बाद गाइस मैं इस ज़ॉम्बी को दुनिया से ही डरा देता हूँ। गाइस इस ज़ॉम्बी ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी, पता नहीं गाइस ये कैसे स्पॉन हो गया। गाइस ये ज़ॉम्बी अचानक से आ गया गाइस मेरे पास। फिर उसके बाद मैं जल्दी जाता हूँ और गाइस दूसरे वाले डायमंड को भी माइन कर लेता हूँ। फिर गाइस मैं अपनी इन्वेंटरी चेक करता हूँ कि गाइस मेरे पास कितने डायमंड है और गाइस मेरे पास तो बस 3 ही डायमंड थे। और गाइस मुझे चाहिए थे यहाँ पर टोटल 5 डायमंड, वो इसलिए चाहिए क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर 3 डायमंड से अपनी डायमंड की पिकैक्स बनाने वाला हूँ। गाइस बचे 2 डायमंड से गाइस मैं यहाँ पर इंचेंटिंग टेबल बना लूंगा और फिर गाइस मैं इंचेंटिंग टेबल से अपनी पिकैक्स को फॉर्च्यून 3 का बना लूंगा, उससे गाइस मेरे डायमंड डबल हो जाएंगे। तो गाइस जल्दी से मैं यहाँ पर से 2 डायमंड को कलेक्ट कर लेता हूँ, उससे गाइस मैं यहाँ पर एक डायमंड की पिकैक्स को बना लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर जो डायमंड बच गए उसको गाइस मैं यहाँ पर फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स से तोड़ूंगा। और जब गाइस मैं इस केव में आ गया हूँ तब गाइस यहाँ पर कुछ ऑब्सिडियन को भी कलेक्ट कर ही लेता हूँ जिससे कि गाइस मैं यहाँ पर इंचेंटिंग टेबल बना सकूँ। तो गाइस यहाँ पर कुछ ऑब्सिडियन को कलेक्ट करने के बाद गाइस मैं जल्दी से अपने घर को चला जाता हूँ। तो गाइस फाइनली एक दिन के बाद मैं अपने बेस पर आ ही जाता हूँ, उसके बाद मैं जल्दी से भागता भागता अपने घर की ओर चला जाता हूँ। और गाइस यहाँ पर एन्चेंटमेंट टेबल बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक बुक की जरूरत पड़ने वाली थी और गाइस बाकी के रिसोर्सेज तो मैंने पहले कलेक्ट कर ही लिए थे। और गाइस फिर मुझे यहाँ पर इस वाली चेस्ट में मुझे यहाँ पर 2 बुक मिल जाती है। फिर उसके बाद मैं जल्दी से अपने क्राफ्टिंग टेबल पर जाता हूँ और गाइस वहां पर से मैं एक एन्चेंटिंग टेबल को बना लेता हूँ। और गाइस मैं इस एन्चेंटिंग टेबल को अपने छत वाले रूम पर लेकर आता हूँ और गाइस यहीं पर प्लेस कर देता हूँ। और गाइस मुझे यहाँ पर चाहिए थी लेवल 30 वाली एन्चेंटमेंट जो कि गाइस ये अभी नहीं देगा, उसके लिए गाइस मुझे यहाँ पर 15 बुक सेल्फ चाहिए। चलते हैं गाइस बनाते हैं यहाँ पर 15 बुक सेल्फ को। गाइस मैं आप लोगों को एक चीज बताने ही भूल गया जो कि गाइस मैंने यहाँ पर बहुत पहले नदी के किनारे में बहुत सारे शुगर केन को लगा दिया था जो कि गाइस लगता है कि अब बड़े भी हो गएंगे। तो गाइस जल्दी से मैं चलता हूँ और गाइस उसको हार्वेस्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद गाइस मैं जल्दी से अपने कॉ फार्म पर आता हूँ और गाइस यहाँ पर से बहुत सारे लेदर को कलेक्ट कर लेता हूँ।
फिर उसके बाद मैं जल्दी से अपने घर को जाता हूँ और गाइस यहाँ पर 15 बुक सेल्फ को बना लेता हूँ। गाइस यहाँ पर मेरे 15 बुक सेल्फ तो नहीं बन पाए लेकिन गाइस यहाँ पर 10 बुक सेल्फ बन गए। गाइस इन सबको लेकर मैं ऊपर वाले रूम पर जाता हूँ और गाइस एन्चेंटमेंट टेबल के बगल में इसको प्लेस कर देता हूँ। गाइस जब मैं इन बुक सेल्फ को यहाँ पर प्लेस कर रहा था तब गाइस मैंने यहाँ पर देखा यहाँ पर तो कोई स्पेस ही नहीं है। गाइस मैंने यहाँ पर सोच लिया कि गाइस मैं यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा एन्चेंटमेंट रूम बनाऊंगा। गाइस एक ब्यूटीफुल सा एन्चेंटमेंट रूम बनाने के लिए गाइस मुझे यहाँ पर जो भी रिसोर्सेस चाहिए गाइस उसको मैंने इस वाले चेस्ट के अंदर स्टोर कर दिया था। तो गाइस चलते हैं बनाते हैं ब्यूटीफुल सा एन्चेंटमेंट रूम। तो गाइस मैं अपना एन्चेंटमेंट रूम अपने घर के बगल में ही बनाऊंगा। तो गाइस चलते हैं बनाते हैं अपना ब्यूटीफुल सा एन्चेंटमेंट रूम। तो गाइस उसके लिए मुझे यहाँ पर 7x7 का एरिया बनाना है और गाइस उसके अंदर मुझे यहाँ पर प्लैंक्स को फिल कर देना है। उसके बाद मुझे यहाँ पर ओक लॉक को गाइस 3 ब्लॉक ऊपर करके लगा देना है गाइस कॉर्नर पे। तो गाइस जल्दी से मैं सबको कंप्लीट करके गाइस मिलता हूँ 2 मिनट में। 1 hour later. तो गाइस फाइनली यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल सा एन्चेंटमेंट रूम बन के रेडी हो चुका है। तो गाइस आप लोग मुझे कमेंट कर जरूर बताना गाइस आपको ये ब्यूटीफुल सा एन्चेंटमेंट रूम कैसा लगा। और गाइस आप लोग एक बार मेरी एक्सपी को देखो गाइस यहाँ पर मेरे 25 एक्सपी है लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर चाहिए था लेवल 30 की एन्चेंटमेंट। तो गाइस एक्सपी को कलेक्ट करने की जल्दी से गाइस मैं यहाँ पर गया एक्सपी फार्म पे और गाइस वहाँ पर से बहुत सारे एक्सपी को कलेक्ट कर लिया। A few moments later. तो गाइस यहाँ पर कुछ देर मॉब्स को मारने के बाद गाइस मेरे पास 33 एक्सपी हो चुकी थी। उसके बाद गाइस मेरे चेस्ट में जितने भी लैपिस लाजुली थी उन सबको गाइस मैं ले जाता हूँ और फिर गाइस अपने एन्चेंटमेंट रूम में जाकर गाइस जितने भी टूल्स थे उन सबको गाइस मैं एन्चेंट कर लेता हूँ। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मेरे सारे टूल्स में बहुत अच्छे खासे एन्चेंटमेंट लग चुके थे। और गाइस आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाइस मेरे पिकेक पे फॉर्चून 2 की एन्चेंटमेंट लगी हुई है लेकिन गाइस मुझे यहाँ पर चाहिए था फॉर्चून 3 की एन्चेंटमेंट। इसलिए गाइस अभी मैं बचे हुए डायमंड को नहीं तोड़ूंगा। गाइस अगर होगा तो मैं उस डायमंड को अगले एपिसोड में तोड़ूंगा। तो गाइस यार बस यही था आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।